नमस्कार दोस्तों। सो इस कंपनी जैक की सीरीज में एक और नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन वन के बारे में। सेक्शन वन हमें बताता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन के बारे में। सेक्शन वन सब सेक्शन वन कहता है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2013। सो इस एक्ट को हमेशा कहा जाएगा कंपनीज एक्ट 2013। सब सेक्शन टू इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। सो कंपनीज एक्ट एक्सटेंड है, एप्लीकेबल है अक्रॉस इंडिया पे, सभी स्टेट्स पे ये अप्लाई होता है और पूरे देश में ये अप्लाई होता है। सब सेक्शन थ्री कहता है कि द सेक्शन शैल कम इन टू फोर्स एट वंस एंड द रिमेनिंग प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेटी अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सो यहाँ लॉ का ये कहना है कि कंपनीज एक्ट जो है वो उस डेट पे अप्लाई होगा जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेकर नोटिफिकेशन लेके आएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि इस एक्ट के कुछ पर्टिकुलर प्रोविजन को लेकर नोटिफिकेशन कभी लेकर आए, तो इस कंपनीज एक्ट जो कि एक बहुत वास्ट और एक बहुत बड़ा एक्ट है, सो इसके कुछ प्रोविजन्स को किसी एक डेट पे एप्लीकेबल किया जा सकता है या उसके किसी और प्रोविजन्स को किसी और डेट पे एप्लीकेबल किया जा सकता है। सो डिफरेंट डेट्स प्रिस्क्राइब की जा सकती है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लिए। सो जैसे कि यूजुअली होता है कि एक्ट्स में एक डेट प्रिस्क्राइब कर दी, उस डेट से पूरा एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, बट यहाँ पे एक लिबर्टी दी हुई है लॉ ने, जहाँ पे कहा गया है कि कुछ डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे एप्लीकेबल किया जा सकता है। इसके पीछे एक कारण भी है दोस्तों इस नए कंपनीज एक्ट में कुछ नई टाइप ऑफ अथॉरिटीज, कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स का इंट्रोडक्शन हुआ था। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक्ट के कुछ सेक्शंस अभी से एप्लीकेबल कर दिए जा सके, पर कुछ ट्रिब्यूनल्स में बनने में टाइम लग सकता है या कुछ नई अथॉरिटीज़ क्रिएट होने में टाइम लग सकता है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वो चेंजेस होने में टाइम लग सकता है जो कंपनीज एक्ट 2013 में प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो इसलिए उन अथॉरिटीज़ या उन ट्रिब्यूनल्स या उन चेंजेस से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं वो तब एप्लीकेबल किए जा सकें जब वो शुरुआत हो चुकी हैं या जब वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो चुके हैं। सो अब आते हैं सबसेक्शन फोर के बारे में। सबसेक्शन फोर कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू, अब हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो ये सेक्शन या ये कंपनीज एक्ट 2013 कहाँ कहाँ अप्लाई होता है या किन किन टाइप ऑफ एंटिटीज पे अप्लाई होता है, तो बात करते हैं सब क्लॉज ए, कंपनीज इनकॉर्पोरेट अंडर द एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। जैसे मैंने बताया था कि कंपनीज एक्ट 2013 से पहले भी चार या पाँच कंपनीज एक्ट आ चुके हैं, तो ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है ये जो कंपनीज इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट होंगी उन पर अप्लाई होता है, और इससे पहले किसी एक्ट में अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956 में या कंपनीज एक्ट 1913 में अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उन कंपनीज पर भी ये कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। सो आते हैं पॉइंट नंबर बी में। अब आता है कि कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी पर भी अप्लाई होगा एक्सेप्ट सो फार एज द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट। सो यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि ये इंश्योरेंस एक्ट कंपनीज पे भी अप्लाई होगा, लेकिन अगर इंश्योरेंस एक्ट 1938 या कोई भी इंश्योरेंस एक्ट इसके बाद आया है, उस इंश्योरेंस एक्ट में अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस डाले गए हैं जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो वो पर्टिकुलर इंश्योरेंस एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे और वो ओवरराइड करेंगे कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को। बैंकिंग कंपनीज एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेट प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। सो सिमिलरली ये बैंकिंग कंपनीज पर भी अप्लाई होगा, बट अगर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट में या बैंकिंग रेगुलेशंस में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कंपनीज एक्ट से, तो उन पर भी बैंकिंग रेगुलेशंस ओवरराइड करेंगे। सिमिलरली ये कंपनीज एंगेज इन द जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर भी अप्लाई होगा, और ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कोई प्रोविजंस है जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 को, तो वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के स्पेसिफिक प्रोविजंस वहाँ पर अप्लाई होंगे। सो एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सो अब कुछ और भी कंपनीज या कुछ और भी ऐसी एंटिटीज़ हो सकती हैं जो इन ऊपर के एक्ट्स में कवर्ड नहीं है, तो अगर किसी पर्टिकुलर स्पेशल एक्ट गवर्नमेंट के किसी पर्टिकुलर स्पेशल एक्ट में वो कंपनीज रजिस्टर्ड बनी हैं या वो एंटिटीज़ क्रिएट हुई हैं, तो उन पर भी कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होगा, सो फॉर एज कि वो स्पेशल एक्ट के प्रोविजन्स को अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है कंपनीज एक्ट, तो वो पर्टिकुलर स्पेशल एक्ट के प्रोविजन्स ओवरराइड करेंगे या वो एप्लीकेबल होंगे। सो सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट बाई एनी एक्ट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई ऑन दिस बिहाफ सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस मॉडिफिकेशंस और अडॉप्शन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट पे भी अप्लाई होगा। अब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है एक कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड है या तो इंडिया में या इंडिया के बाहर। तो अगर कोई कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है या किसी तरीके से वो इंडिया में एस्टैब्लिश है या बिजनेस करती है, तो उस पर भी कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी होगी, कंपनीज एक्ट उन पर भी अप्लाई होगा। और अगर ऐसा कुछ प्रोविजंस होता है तो
तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर नोटिफिकेशंस ला सकती है उन बॉडी कॉर्पोरेट के लिए, और उसमें कुछ एक्सेप्शंस या मॉडिफिकेशंस या जो भी अडॉप्शंस हैं कि क्या क्या प्रोविजंस अप्लाई होंगे कंपनीज एक्ट के, क्या क्या प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे, कहाँ कहाँ पे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन से उसको लिबर्टी होगी, कहाँ कहाँ पर उस लाइक बॉडी कॉर्पोरेट अगर वो यूएसए की कंपनी है तो कहाँ कहाँ पर वो यूएसए के प्रोविजंस को फॉलो कर सकती है, और कौन से प्रोविजंस उसको इंडिया में कंपनीज एक्ट के अंडर फॉलो करने होंगे, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन ला सकती है। तो दोस्तों ये बात रही थी कि कंपनीज एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कंपनीज एक्ट का क्या नाम है, पूरे देश में ये अप्लाई होता है। तो ये थी सेक्शन वन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सेक्शन वन यूजुअली हम किसी भी एक्ट का इग्नोर कर देते हैं, बट यहाँ पे इसको जानना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने इस वीडियो में यह कवर किया है। तो अब हम आते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में। सो वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। सो बेसिकली दोस्तों इस कंपनीज एक्ट में तीन टाइप ऑफ कंपनीज मेजरली हैं, डिफाइंड हैं और मेजरली इनकॉर्पोरेट होती हैं, जो कि है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। सो इनमें क्या डिफरेंस है और इनमें क्या बेनिफिट्स हैं, इनके क्या रूल्स हैं, इनमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो जब हम इस कंपैरिजन टेबल को समझेंगे तो इससे हमें डिटेल में समझ में आएगा कि प्राइवेट कंपनी में क्या क्या कंप्लायंसेज होते हैं या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पब्लिक कंपनी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वन पर्सन कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट होती है, और साथ ही साथ हम इनके बीच का एक डिफरेंस भी समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो बात करते हैं पहले पॉइंट से। सो यहाँ आता है नेम। अब जब हम भी प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी में जो नाम लिखा जाता है वो लिखा जाता है, मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी, सो उसको हम लिखेंगे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। सो ये अगर कहीं भी कंपनी का नाम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड या जो भी कंपनी का नाम है उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड किया गया है तो हम ये मान लिया जाता है कि ये प्राइवेट कंपनी है। अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में, तो पब्लिक कंपनी के केस में प्राइवेट वर्ड हट जाएगा और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। सो एबीसी लिमिटेड, अगर किसी कंपनी के नाम में प्राइवेट वर्ड नहीं है तो ये मान लेते हैं कि वो, और लिमिटेड लिखा है तो वो एक पब्लिक कंपनी है। अब आते हैं वन पर्सन कंपनी के बारे में। तो वन पर्सन कंपनी जो दोस्तों कॉन्सेप्ट है ये इस कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इससे पहले वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इंडिया में अगर आपको कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो आपको पास ऑप्शन था या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बट अब आपके पास एक और ऑप्शन आ गया है वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी मीन्स एक पर्सन सिंगली एक कंपनी बना सकता है। तो अब ये कैसे जाने कि वन पर्सन कंपनी का नाम क्या होगा, तो वन पर्सन कंपनी के बारे में, ये एक सॉर्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी होती है, काफ़ी हद तक प्रोविजंस जो है कंपनी एक्ट के वो प्राइवेट कंपनी वाले ही एप्लीकेबल होते हैं। बस यहाँ पे अगर ये वन पर्सन कंपनी है तो एबीसी के आगे ब्रैकेट्स में यहाँ आपको ओपीसी लिखा जाता है, ओपीसी स्टैंड्स फॉर वन पर्सन कंपनी। सो यहाँ पे ओपीसी दैट तो नाम होगा एबीसी ब्रैकेट्स में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। अगर ऐसा कोई नाम की आपको कंपनी दिखती है तो ये वन पर्सन कंपनी है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में। अब यहाँ कहते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। सो नंबर ऑफ मेंबर्स मींस कि मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स क्या हो सकते हैं, या कंपनी में हिस्सेदार कौन कौन हो सकते, कितने हो सकते हैं। तो अब आप बात करें प्राइवेट कंपनी के बारे में, तो प्राइवेट कंपनी शुरू करने के लिए आपको मिनिमम दो मेंबर्स या दो शेयर होल्डर या दो हिस्सेदारों की जरूरत पड़ेगी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है यहाँ पे 200 हो सकते हैं। तो क्या प्राइवेट कंपनी में बात बहुत ध्यान देने वाली है कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम लिमिट है नंबर ऑफ मेंबर्स पे या नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पे। सो इससे ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स या शेयर होल्डर एक प्राइवेट कंपनी में नहीं हो सकते हैं। सो अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 होने जरूरी है, जैसे कि प्राइवेट कंपनी में हमने देखा था 2 होने जरूरी है, बट पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 होने जरूरी है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। सो ये कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी जो है वो फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ जोड़कर ही खोली जाती है, क्यों एक प्राइवेट सॉर्ट ऑफ कंपनी है, बट पब्लिक कंपनी जिसमें पब्लिक का पैसा भी लग सकता है, तो पब्लिक का पैसा में नंबर ऑफ पब्लिक्स कुछ भी हो सकती है, एनी नंबर ऑफ पब्लिक हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे कंपनी एक्ट में लिबर्टी है कि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं वन पर्सन कंपनी के बारे में। तो वन पर्सन कंपनी में ये मिनिमम और मैक्सिमम का क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होता, रीजन बीइंग क्योंकि ये वन पर्सन कंपनी है। इस वन पर्सन कंपनी को लाने का कॉन्सेप्ट इंडिया में ये था कि पहले जब भी आपको अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी थी कंपनीज एक्ट में, तो आपको मिनिमम दो मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती थी। अब कई बार कुछ लोग होते थे जो अकेले ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अब वो कंफ्यूज होते थे कि मेरे को एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है बट मेरे को मिनिमम दो मेंबर की जरूरत है, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, मुझे अकेले ही स्टार्ट करनी है या मेरे साथ कोई हिस्सेदार नहीं है, तो उस केस में मैं क्या करूँ। तो कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया वन पर्सन कंपनी, तो यहाँ पे सिर्फ एक मेंबर या एक शेयर होल्डर भी कंपनी स्टार्ट कर सकता है। सो दोस्तों आगे आते हैं पॉइंट नंबर 3 में, मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो अगर हम बात करें पुराने कंपनीज एक्ट के बारे में या कंपनीज एक्ट 2013 जब शुरू में आया था, तो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट थी प्राइवेट कंपनी के केस में 1 लाख रुपीज़ एंड पब्लिक कंपनी के केस में 5 लाख रुपीज़। सो
अब जो है कंपनीज एक्ट 2015 में एक अमेंडमेंट लाई गई और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस कर पाए, लोगों को ज़्यादा पैसा ना लगाना पड़े, फंडिंग रिक्वायरमेंट का इशू ना है, तो इसलिए ये जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको ख़त्म कर दिया गया। सो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट प्राइवेट कंपनी के केस में 1 लाख थी जिसको निल कर दिया गया है, पब्लिक कंपनी के केस में ये 5 लाख थी जिसको भी निल कर दिया गया है। सो मिनिमम पेड अप कैपिटल 1% कंपनी के केस में भी निल ही है। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है कि अगर 1% कंपनी के केस में पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा एक्सीड हो जाती है या फिर करने की ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में आप 1% कंपनी कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपको 1% कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो आपके पास सबसे ईजिएस्ट ऑप्शन होगा कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करा सकते हैं। सो अब बात करते हैं डायरेक्टर्स के बारे में। सो दोस्तों यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं, डायरेक्टर्स एंड शेयरहोल्डर्स। शेयरहोल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी में हिस्सेदारी ओन करते हैं या जैसे कि कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिससे कंपनी का बिजनेस होगा। और एक होते हैं डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी को बिजनेस को चलाते हैं या कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के कंप्लायंस को मेंटेन करते हैं, मॉनिटर करते हैं और वो सारे कंप्लायंसेस पूरे करते हैं। तो ये बात भी ध्यान देने वाली है कि डायरेक्टर्स भी शेयरहोल्डर्स हो सकते हैं और शेयरहोल्डर्स भी डायरेक्टर्स हो सकते हैं। बट कंपनीज एक्ट में ये अलग अलग टर्म डिफाइन करी गई है, मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। सो मेंबर्स जिनके अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, डायरेक्टर्स जिनके अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो मिनिमम जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 होने जरूरी हैं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स 3 होने जरूरी हैं, 1% कंपनी में 1 डायरेक्टर ही इनफ है। वही पर्सन जो शेयर होल्डर है वही डायरेक्टर बन जाए तो 1% एक अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता है कंपनीज एक्ट 2013 में। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है जो मैंने यहाँ कवर नहीं करी है, आप नोट कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी 15 हो सकते हैं। उसके बाद आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कुछ स्पेसिफिक अप्रूवल्स लेके आप इस नंबर को एक्सीड कर सकते हैं। बट मैं आपको इन जनरल इंडस्ट्री सिनेरियो बता दूं, यूजुअली कंपनीज में 12 से 13 डायरेक्टर्स होते हैं चाहे वो बहुत बड़ी भी कंपनीज हो, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा डायरेक्टर्स होंगे तो बोर्ड मीटिंग करना और आगे की चीज़ें कंप्लायंस करना एक डिफिकल्ट हो जाता है कंपनी के लिए। सो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं। अब प्राइवेट कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस और कुछ प्रोहिबिशंस हैं जो बाकी कंपनीज में नहीं है। अगर आप प्राइवेट कंपनी खोलते हैं तो आपको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA, अभी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जैसे कंपनीज एक्ट एक लॉ है जिसके थ्रू कंपनीज गवर्न करती हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उनका इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है किसी कंपनी के। मान लीजिए ABC लिमिटेड एक कंपनी है जो काफ़ी अच्छा बिजनेस करती है तो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होंगे जिसके थ्रू वो रन करेगी, या उसके बोर्ड मीटिंग्स होंगी, उसके सारे कंप्लाइंसेज होंगे, उसमें बिजनेस कैसे चलाना है वो सब डिफाइंड होगा, उसमें अप्रूवल्स कैसे लेने हैं, बैंकिंग अप्रूवल्स कैसे लेने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस में डिफाइन होगी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब किया गया है जो कंपनीज अपने अकॉर्डिंगली उसको मॉनिटर कर सकती, उसको अमेंड कर सकती हैं। सो एक चीज़ ये बात ध्यान रखने वाली है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस से लेसर प्रोविजंस नहीं बना सकता। मींस कि कंपनीज एक्ट में अगर किसी की चीज़ की टाइमलाइंस लिखी है कि ये काम 30 दिन में हो जाना चाहिए तो उस केस में आर्टिकल एसोसिएशन में ये तो लिखा जा सकता है कि ये काम 15 दिन में हो जाना चाहिए, बट आर्टिकल एसोसिएशन में आप ये नहीं लिख सकते कि ये काम 35 दिन में हो सकता है या 40 दिन में हो सकता है। तो आर्टिकल एसोसिएशन में इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस डालते समय ये भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि जो हमारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। तो अब वापस आते हैं इसी पे, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशंस हैं जो एक प्राइवेट कंपनी को अपने आर्टिकल एसोसिएशन में लिखनी होती हैं। तो जैसे ये 3 प्री कंडीशंस हैं जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो उसको लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे AOA रिस्ट्रिक्ट्स ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सो प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, यहाँ मैं बात करूँगा रिस्ट्रिक्शंस ना कि प्रोहिबिशंस। तो रिस्ट्रिक्शंस मतलब कि फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ओन करते हैं तो आप जाइए मार्केट में और किसी को भी शेयर्स बेच दीजिए। वो शेयर्स बेचने के लिए आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेने की ज़रूरत है, उसमें वो प्रोसेस है जिसको फॉलो करना होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ रीजन से उसको रोक भी सकते हैं अगर वो कंपनी के लिए डेट्रामेंटल है। तो ऐसे ही एक और कंडीशन लिखनी होती है कि मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते, जिसमें अगर उसके कुछ एम्प्लॉई हैं तो वो भी कवर होते हैं। तो इसी तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ जो शेयर होल्डर्स हैं, सो मैक्सिमम नंबर, अगर मैंने पीछे गलत बोल दिया हो तो माय अपोलॉजीज, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो हैं वो या मेंबर्स वो 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और तीसरी कंडीशन आती है प्रोहिबिट पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। सो प्राइवेट कंपनी का जो मेन मोटो होता है इनकॉर्पोरेट करने का कि वो प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस होता है, प्राइवेटली कंपनी इस पर काम करती हैं और
एक रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या एक फैमिली इसको कंपनी को रन करती है। तो इसलिए अगर आप प्राइवेट कंपनी खोल रहे हैं, और प्राइवेट कंपनी में ये भी एक बेनिफिट्स है कि प्राइवेट कंपनी के जो कंप्लायंसेज अंडर कंपनीज है वो पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में कम है, इसलिए प्राइवेट कंपनी में आप पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स नहीं निकाल सकते। मतलब आप जनरल पब्लिक को कंपनी के शेयर्स इशू नहीं कर सकते और जनरल पब्लिक आपकी कंपनी में पैसा नहीं लगा सकती। अनलाइकली इन पब्लिक कंपनी ये तीनों रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होती। जैसा कि मैंने कहा था कि नो लिमिट है नंबर ऑफ मेंबर्स पे, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रीली है, फ्रीली ट्रांसफर हो सकते हैं, मेंबर्स जो हैं वो पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, यहाँ कुछ बात ध्यान देने वाली है कि जब हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे तो कुछ प्रोविजंस हैं जहाँ पे कुछ कंप्लायंसेस होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं जिनको ध्यान में रखना होता है, बट इन जनरल पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। और पब्लिक कंपनी क्योंकि नाम ही इसका पब्लिक है, तो ये पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ निकाल सकती है, मींस अपने डिबेंचर्स, अपने शेयर होल्डर्स, अपने शेयर्स, अपने प्रेफरेंस शेयर्स पब्लिक को इशू कर सकती है। सो ऐसी रिक्वायरमेंट जो है वो 1% कंपनी में नहीं है, तो ये सब रिक्वायरमेंट 1% कंपनी पे अप्लाई नहीं होती है। अब आते हैं लास्ट कंपैरिजन के बारे में। लास्ट कंपैरिजन कहता है द प्राइवेट कंपनी कैन इशू शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज ओनली बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में बात किया था कि जो प्राइवेट कंपनी है वो सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ही शेयर इशू कर सकती है, मतलब कि प्राइवेटली कुछ नंबर ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स को ही वो उनको प्रॉपर लेटर ऑफ ऑफर इशू करेगी, उनके नाम उसमें मेंशन होंगे, तो पहले से ही वो प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, वो आइडेंटिफाइड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे जिनको वो अपने शेयर्स और डिबेंचर्स इशू कर सकती है। पब्लिक कंपनीज के पास दोनों ऑप्शन है। पब्लिक कंपनी या तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी शेयर्स इशू कर सकती है कि अगर पब्लिक कंपनी के पास कोई इन्वेस्टर आता है, बोलता है मैं आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूँ, आपकी कंपनी को प्रमोट करना चाहता हूँ, तो उस केस में या आपकी कंपनी में एक वेंचर फंड डालना चाहता हूँ, तो वो एक प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू उस पर्टिकुलर एंटिटी या पर्टिकुलर पर्सन को शेयर इशू कर सकती है। और अगर कंपनी चाहती है कि उसकी एक रेपुटेशन अच्छी है, उस रेपुटेशन के बेस पे वो पब्लिक से, जनरल पब्लिक से पैसा उठाए, तो वो एक पब्लिक इशू लेकर भी आ सकती है। वो पब्लिक इशू अपने शेयर्स का ला सकती है, डिवेंचर्स का ला सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स का ला सकती है, या अदर सिक्योरिटीज का भी ला के आ सकती है। अब 1% कंपनी पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, क्योंकि 1% कंपनी, अगेन इट्स अ 1% कंपनी। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात करी कि कंपनीज एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, कौन कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, कैसे इसका रिलेशन होता है अगर कोई कंपनी इस एक्ट में रजिस्टर्ड है या उस कंपनी पे कोई और एक्ट्स भी अप्लाई होते हैं, और साथ ही साथ हमने जाना कि कितने मेन तीन टाइप की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1% कंपनी। सो इसके बारे में इनके डिफरेंसेस को समझने के साथ साथ हमने इनके बेसिक फीचर्स को भी समझा। सो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, आगे और मैं वीडियोस आने वाला हूं कंपनीज एक्ट पे और कंपनीज एक्ट के डिफरेंट प्रोविजंस पे। अगर दोस्तों आपके कोई सुझाव हैं या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारी सलाह चाहते हैं या एक कोई वीडियो चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।